नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज हम आए हुए हैं अपनी इग्निस की सर्विस कराने। गाड़ी को 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं लेकिन गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, तो हमने सोचा सर्विस करा ली जाए। तो सर्विस कराने हम वहीं पर आए हैं ग्वालियर के पास जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर समय काफ़ी कम लगता है। पिछली बार भी हमने इसकी सर्विस यहीं कराई थी और काफ़ी अच्छी सर्विस की थी, काफ़ी कम समय में सर्विस कंप्लीट करके दे दी थी। तो हम यहीं आए हैं और जगह का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये डबरा है, ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूर है, जो कि झांसी ग्वालियर हाईवे के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर सर्विस कराने का उद्देश्य ये भी है कि मेरे जीआई की जो गाड़ी है ये इग्निस, उनका घर यहाँ से पास ही है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है समय कम लगता है ग्वालियर के मुकाबले और काफ़ी अच्छी सर्विस करते हैं। तो चलिए आज गाड़ी की सर्विस कराते हैं और देखते हैं वह सारा प्रोसेस। तो अभी हमारी गाड़ी को सर्विस स्टेशन पर लगा दिया गया है, बोनट खोल लिया गया है और जो फिल्टर वगैरह उनको निकाला जाएगा, उसे क्लीन किया जाएगा और सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। तो आगे का प्रोसेस जल्दी से देखते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारी गाड़ी का केबिन फिल्टर और जो एयर फिल्टर, उसको निकाल के हाई प्रेशर एयर से क्लीन किया जा रहा है, और इस तरह से इसको हर सर्विस पे आपको क्लीन कराना होता है। साथ ही दोस्तों समय समय पे इनको रिप्लेस भी कराना होता है, क्योंकि ये समय के साथ साथ ख़राब होने लग जाते हैं। तो इसमें डस्ट जम जाती है, जिसे हाई प्रेशर एयर से कुछ इस तरह से क्लीन किया जाता है, उसके बाद गाड़ी में इसको वापस से फिट कर दिया जाएगा। तो अब दोस्तों इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लिया गया है, और मैं आपको बता दूं कि जो 5000 किलोमीटर या फिर 6 महीने में जो फ्री सर्विस होती है दूसरी वाली, उसमें इंजन ऑयल को चेंज नहीं किया जाता। तो केवल जो है सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अभी केबिन फिल्टर को भी इंस्टॉल किया जा रहा है। तो अब गाड़ी को लिफ्ट किया जाएगा और नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं, जो व्हील्स वगैरह हैं, उनको प्रॉपर चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कोई नट बोल्ट लूज़ तो नहीं है, अगर लूज़ है तो उसे टाइट भी किया जाएगा। तो नीचे से जो है गाड़ी को चेक करने के लिए पूरी गाड़ी को लिफ्ट किया जाता है, उसके बाद जो है सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस जल्दी से। तो अब दोस्तों सभी व्हील्स को घुमाकर चेक कर लिया गया है कि कोई व्हील टाइट तो नहीं है, और जितने भी नट बोल्ट वगैरह हैं या कोई भी नीचे की जो फिटिंग है वो लूज़ तो नहीं है, इसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है और नट बोल्टों को भी टाइट किया जा रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जो नई गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए। तो अब सब चीज़ें चेक करने के बाद गाड़ी को नीचे उतारा जा रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सर्विस होती है सेकंड फ्री सर्विस, उसमें ऑयल और ऑयल फिल्टर को चेंज नहीं किया जाता, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता। केवल जो फिल्टर होते हैं उनको क्लीन किया जाता है और गाड़ी को वॉश किया जाता है, टायर का एयर प्रेशर वगैरह भी अभी चेक किया जाएगा। तो गाड़ी को नीचे उतारने के बाद जो है वॉश स्टेशन पर भेजा जाएगा। तो जल्दी से आगे का प्रोसेस भी देख लेते हैं कि किस तरह से गाड़ी को वॉश किया जाता है। तो अब सभी टायरों में जो एयर प्रेशर, उसको प्रॉपर चेक किया जा रहा है, और अगर हवा कम है तो उसमें एयर को फिल किया जा रहा है। तो अभी हमारी जो इग्निस है दोस्तों, वो वॉशिंग के लिए वॉशिंग स्टेशन पे लग चुकी है। अब गाड़ी को वॉश किया जाएगा प्रॉपरली, और काफ़ी गंदी हो रही है गाड़ी, तो वॉश हो जाए उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो है मैटिंग वगैरह सब निकाल ली गई है, एयर प्रेशर से इंटीरियर को क्लीन किया जा रहा है, उसके बाद जो वॉशिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी अंदर से जो है गाड़ी को क्लीन किया जा रहा है। तो अभी दोस्तों गाड़ी को वॉश करना स्टार्ट कर दिया है, जो मैटिंग वगैरह है उनको भी जो है अच्छे से वॉश कर दिया गया है, और सारा जो वॉशिंग का काम है वो किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं गाड़ी को अभी नीचे से जो अंडर बॉडी पार्ट्स होते हैं गाड़ी के, वो भी क्लीन किए जाएंगे हाई प्रेशर वाटर से। तो सारा प्रोसेस जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके, ताकि आपको समझ में आए कि वो सर्विस के दौरान गाड़ी में क्या क्या काम किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैटिंग वगैरह भी अभी क्लीन कर दी गई है, बाकी अभी इसको फॉर्म वॉश किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वॉशिंग चल रही है, प्रॉपर वॉशिंग की जा रही है, वॉशिंग कम्प्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊँगा। बढ़िया से वॉशिंग चल रही है अभी। तो वॉशिंग करने के लिए शैम्पू यूज करते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट प्रीमियम फोम वॉश लिक्विड है, ये यूज करते हैं गाड़ी को वॉश करने के लिए। ये यूज करते हो, कितने का आता है ये? 350 रुपये का आता है ये पूरा बोतल। अभी गाड़ी को क्लीन होने देते हैं फिर देखते हैं। तो गाड़ी को अब पॉलिश वगैरह कर दिया गया है, और जो डोर्स के लॉक वगैरह हैं, हैंडल वगैरह, उनको भी लुब्रिकेट कर दिया गया है। तो हमारी गाड़ी की जो सर्विस है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है।
तो फाइनली दोस्तों गाड़ी की सर्विस हो गई है, घर पर पहुंच चुके हैं और सर्विस का जो चार्ज लगा है वो लगा है, आप गैस कीजिए पहले फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, जो सर्विस का चार्ज लगा है वो लगा है ओनली 12 रुपीज़, यानी कि जीरो जो है चार्ज लिया गया है। और जो 12 रुपीज़ लिए गए हैं वो इनके लिए गए हैं डोर गार्ड के, क्योंकि जीरो का बिल कभी बनाया नहीं जाता, इसलिए ये 12 रुपीज़ के जो है डोर गार्ड दे दिए, चारों उसमें लगा दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं गाड़ी एकदम चमचमा रही है, पॉलिशिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट की है और गाड़ी को वॉश भी बड़ा अच्छे से किया गया है। इसीलिए मैं सर्विस जो है अपने शहर ग्वालियर में ना कराते हुए यहाँ पर आता हूँ। आप देख पा रहे हो गाड़ी बिल्कुल चमक रही है। तो जैसा कि मैंने कहा केवल 12 रुपीज़ का चार्ज लगा है और बाकी सब जो चीज़ें थी वो सारी चेक की गई हैं सर्विस में और परफेक्टली यहाँ पर वर्क किया गया है। तो ये था दोस्तों इग्निस की सेकंड फ्री सर्विस का वीडियो। हालांकि आप सर्विस कराने जाएंगे तो फ्लूइड वगैरह का पैसा एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है, लास्ट टाइम हमसे 118 रुपये लिए गए थे, क्योंकि फ्लूइड और जो बाकी की चीज़ें तो होती हैं वो भी जो है ऐड की गई थी बिल में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, ज़्यादा मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी इग्निस की सेकंड सर्विस जो कि फ्री सर्विस होती है। उसके बाद मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।